चार लाइन भाव है कवि का कि प्रबल वेग पाया पवन में है प्यारे जिस दम में रूप धरे आधी तूफान का बरसा में सरिताएं बाढ़ विप्लव चाहे वेग उस दिन देखा पानी पहलवान का। कि तीव्र वेग आग में वो क्रांति बैराग में बरसा शरद ग्रीष्म काल वेगवान का वेगवान मानो मन क्षण में भूलोक चले मानो वेग सही ना सके काम शैतान का। आज के जमाने को देखकर कवि जी ने भाव दिया है तर्जबा गजल के कौन बा मास्टर वह तरजबा कि काहे ये दिल के बीच में दरार हो गई कि काहे ये दिल के बीच में अरे दरार हो गई का भूल हमसे आज है सरकार हो गई लिखे वाला भी कभी कभी गजब लिख दे भगवान लिखलन काम कि पत्थर का टुकड़ा हाथ में अरे लिहलो गुनाह बाप जब से शहर में कांच की दीवार हो गई मगर क्या जमाना है भाव है कवि का कि मानव पशु में आज नयंतर ही दिखाता कि मानव पशु में आज नयंतर ही दिखाता घृणा से भरा कर्म हिंदुस्तान हिलाता गगन गमगीन है मलिन मेदनी रानी पशु अचाल चले आदमी बनी अज्ञानी हैदराबाद के समीप छोटा ग्राम जहां सहोदर भाई दया राम मनसा राम जहां सहारा उठ गया माँ बाप का उनके सर से गरीबी तंग भूख मरी बेनजरिया से अथक परिश्रम करके दया राम घर को संभाला निज शादी कर मनसा ने अब शादी कर डाला कि मानो पशु में आज नाम अंतर ही दिखाता घृणा से भरा कर्म हिंदुस्तान हिलाता हैदराबाद की करीब की कहानी है। दयाराम और मनसाराम दो भाई थे। दयाराम बड़ा था मनसाराम छोटा था। दयाराम सोचा कि मैं अपनी शादी आजीवन नहीं करूंगा भाई की शादी कर दूं ताकि घर में एक औरत तो आ जाए।
माने कहे का जब मनसा राम के बियाह हो गई, आ जब मनसा राम के बियाह हो गई तो उस समय का भाव बा तरजू है बा कि मटिया में मिली गई ले, अरे नहीं हरे कनूर हो कि मिलल बा शराबी सैया, अब मिलल बा शराबी सैया, नसवे में चूर हो कि मिलल बा शराबी सैया, लेकिन जब औरत आती है उस समय का भाव है कि नारी की सुरतिया मनसा देखे घूर घूर हो कि खुशिया में नाचे मनवा, खुशिया में नाचे मनवा, अरे बनी के मयूर हो कि खुशिया में नाचे मनवा। अरे नाचत मोरवा के देखी नाचले मोरिनिया, सीप के मिला लाया बा स्वाति वाला पानिया, सीप के मिला लाया बा स्वाति वाला पानिया, सीप के मिला लाया बा स्वाति वाला पानिया। अरे मोती होई पैदा कुछ अब दिन में जरूर हो कि खुशिया में नाचे मनवा, बनी के मयूर हो कि खुशिया में नाचे मनवा। मनसाराम हरी भरी फुलवारी देख करके प्रसन्न रहता था, लेकिन धीरे 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 जब मरद मेहरारू अपन काम कैलन, मेहरारू के पेट में लड़का भइल, बच्चा होए के समय में औरत के दर्द होवे लगल, तब भइल काम। अरे विधि के विधान केहू कैसे के मिटाई, अब भइल ऑपरेशन का बच्ची प्रगटाई, खुशिया में नाचे मनवा, अब बनी के मयूर हो कि खुशिया में नाचे मनवा। ऐ भैया आखिर ऑपरेशन तो हुआ, एक लड़की पैदा हुई, मगर मनसाराम की औरत रूपा मर गई, लड़की रह गई। दोनों दयाराम या मनसाराम सोचे लगलन कि औरत विहीन तो यह घर हो गया, लेकिन एक बच्ची दोनों आदमी के बीच में है, दोनों आदमी मिल करके इस बच्ची का पालन पोषण करेंगे। तो तरजू बा कि अरे कोरा 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 तनि ले ला हो पलमुआ हम के कोरा, ये तर्ज बा लेकिन भाव बा। अरे गो फूल के सेवेलन दुइठे माली, अरे कुसुम कली के अब कुसुम दे लेना मावा,
आ दूनो भाई बच्ची के दूला रे सुबह सामावा। अरे दिन दिन बढ़ेली बच्ची जैसे आम्रपाली, एगो फूल के सेवेलन दुइठे माली। अरे चढ़ता 16 साल खुशबू बिखेरी, मन चले भ्रमर अब लगावे लगल फेरी। अरे कुसुम जो गावे लेकिन थाती पियावाली, एगो फूल के सेवेलन दुइठ माली। आखिर उस लड़की का नाम कुसुम रखे। कुसुम जवान हो गई, 16 वर्ष की हो गई। देखने वालों के हृदय पर सांप लौटने लगा। वो समय का भाव तर्जुबा, अरे आई हो दादा बदली गई दुनिया। अरे खाए के पूड़ी बजावे हर मुनिया, आई हो दादा बदली गई दुनिया। लेकिन भाव कवि का है, अरे कहला में मनवा हमार सर मातबा। अरे हे भगवान अब गजब हो जात बा, कहला में मनवा हमार सर मातबा। अरे ताऊ भतीजी में जब देखल जवानी, अपा के एकांत भरल मुहावा में पानी। अरे पकड़ाऊ रोज अब मन कसम सात बाप, अरे कहला में मनावा हमार सर मात बाप। भैया आज जवानी देख करके जो दयाराम आजीवन कुंवारा रहने का व्रत रखा था, जब देखा कि उसकी भतीजी में जवानी आ गई है, तो काम वासना जब चढ़ जाती है तो रिश्ते नाते सब भूल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि किसी जवान बाप को अपने जवान बेटी के साथ में एकांत में रहना उचित नहीं है। भैल का जब पकड़ लिया छाती उसकी कुसुम की, वह दयाराम और कह रहा है कि करोगी विरोध तो अब टीप गला दूंगा। अरे मुझको मजा दू, मुझको मजा दो तुझे भी मजा दूंगा। अरे जबरी से सारी और सयावा खोलात बाप, अरे कहला में मनावा हमार शरमात बाप। खबरदार अगर ज्यादा बोलोगी कसाई का काम कर दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। हरे कलजू के हिसाब से कहलस की कोनो ढेर खराब काम ना बा, एमे कौन विरोध कैला का काम बा। तोरो के मजा आई आ हमरो के मजा आई। वो समय कैलन सबका कि ताऊ दयाराम तो बा कुसुम कली के धुन, हेरे अब मोछिया पर हाथ दूरा चरिया। मनसा राम साम होत लवटे सहरिया से, पिता लग जाए अब रोवती बाछो करिया।
इज्जत हमार आज माटी में मिलल बाबू तोड़ी दिहल ताऊ निजर रिश्ते की रसरिया मनसा के मन के मदन अब मथन लागे अरे धैल लपकी के अब कुसुम के आकवरिया मनसाराम जब शाम को लौट करके शहर से आया वह लड़की रोती गिड़गिड़ाती कहती है कि बाबूजी आप शहर चले गए थे और एक औरत का सब कुछ जो होता है हमारे ताऊ जी ने मिटा दिया बेइज्जत कर दिया हमें तो भाव कवि जी लिखे हैं तर्जुबा गावलन गोण लोग कि बाबा हो भैली बियाहन जोग छतिया पर दुई उठल बा उठनवा हम जनली कौन हो गेल रोग बाबा हो भैली बियाहन जोग लेकिन कहीं कहीं सवेरे के वक्त में लोग गावेलन कि अरे बादा नाम हो का जरवा बड़ी नीक चीज लोग गावेलन की गाड़ी के चुकल जस झंखे गड़ी बनवा बसुला के चुकल लोहार की ढील भैल जो बना तो झंखे दस बिनिया अरे कैसे के चल रोजगार हो का जरावा बदनाम हो का जरावा लेकिन भाव कवि कबाई सन देख के कवि जी लिखलन का अरे धरती धसल अढ़ाई हाथी अरे बाप धैलस जब बेटी कहात धरती धसल अढ़ाई हाथी अरे बारी बारी दोनों भाई अरे बारी बारी दोनों भाई प्रतिदिन सूते वो करे साथ धरती धसल अढ़ाई हाथ ई देखा जाओ ओकर बाप रहल मनसाराम कहलस कि तब कौन भैया गलती कैला है अरे मेहरारुए न हो औरत ही न हो क्या बुरा हो गया उनको भी आनंद आ गया तुमको भी आनंद आ गया अब मेरी भी औरत मर चुकी है थोड़ा सा वही काम हम भी कर लेंगे तो हमको भी आनंद आ जाएगा क्या यह धरती हो गई और क्या यहाँ के लोग हो गए आखिर दोनों करे संगे सूते लगलन अरे तंग हो या दोनों पापिन से अरे भाग चली घर से है नाथ धरती धसल अढ़ाई हाथ सोचती है कि मेरा आप सब कुछ तो लूट गया दरिंदे हो गए मेरे दोनों बाप अब मैं क्या करूं जब तक यहाँ रहूंगी मेरे जिस्म की लूट होती रहेगी इसलिए एक दिन रात में फरार हो जाती है लेकिन भाव है तेरी का कि लगाए सब रिश्ते में अगिया लगाए सब रिश्ते में अगिया कुसुम के कदम कदम पर अबला लोग बनाए अरे हैदराबाद स्टेशन से हैदराबाद स्टेशन से अब भाग चली बंबई अब चली बंबई चंचल मन
अब पूछ पड़े तू जुआ का बहन तू दुखी होई तना किस कारण। हम दोनों को भाई मान अप ना दुखड़ा कर दो बरनन। अरे खिल गई कुसुम दो भाई पाप आ सुना दिया दुख का दर्पण। भैया हैदराबाद स्टेशन पर आकर के सोचती है कि यहां से कहीं चली जाऊं। हैदराबाद स्टेशन से गाड़ी पकड़ करके बंबई रवाना होती है। जब दादर स्टेशन पर उतरल बाम दुईठे जवान भेटेलन कहलन कि अरे बहन कहां जा रही हो। कहती है कि मेरे जैसा दुखी संसार में कोई नहीं है। कहलन कि अपन भाइये समझा, अपन भाइये समझा। आ चलो अगर तुम मुझे भाई समझोगी तुम हमारी बहन हो। कैलन का दिन बड़ा मस्त। छी छी कर दोनों बोले न जान है भगवान मेरे। अब बची न धरती टूटी अब आसमान है भगवान मेरे। चलो बहन दोनों भाई हम करेंगे तेरी रक्षा हो। सर्विस कर दोनों तेरी हम पूर्ण करेंगे इच्छा हो। जोगेश्वरी पुर में लाए निज मकान है भगवान मेरे। दिए कुसुम के खान पान सम्मान हान भगवान मेरे। कि रात में दोनों दारू पी के अपना रूप दिखाए हो। बहन बनाने वाले तन से सारा वस्त्र हटाए हो। सारी रात तू न लूटे शैतान है भगवान मेरे। यही कर्म कर कैले तीन विहान है भगवान मेरे। अरे भैया जिसे बहन बना करके ले गए थे दोनों रात के वक्त में दारू पी करके नशे में चूर होकर के रात के वक्त में जबरदस्ती उसका कपड़ा खोल करके नंगा करके और तीन रात उस बनावटी बहन के साथ अपनी औरत का काम करते रह गए यह धरती है। लेकिन उस समय का भाव अल्लाह के अंदर कभी दिए हैं। अरे पुत्र के भरोसा कैसे अब पिता छोड़ी दी है। अब भाई के भरोसा छोड़ी पई है नहीं भाया। अब भाई के भरोसा नहीं पई है छोड़ा भाया। अब बहन ना भरोसा छोड़ी दी है भाई का। अब बहन ना भरोसा छोड़ी दी है भाई के। अब बेटी के भरोसा माई बाप के न जाया। अब बेटी के भरोसा माई बाप के न जाया। अरे मर्द के भरोसे औरत दुनिया में होली। अरे लेकिन भरोसा कोई न कुसुम के दिखाया। अब फाकलैंड रोड पर ले जा चौथा दिनावा। बेची दिहले दोनों एक कोठे पर ले जाया। अरे हो के बेबस अब वेश्या बनी गईली। अब भैली स्वतंत्र कुछ समय बिताया। अब कुसुम नाम छोड़ी परवीन अब कहली। पुलिस के छापे में एक दिन गैली पकड़ाया। ए भैया चौथे दिन वो दोनों जो अपने को उसका भाई बता रहे थे बंबई के फाकलैंड रोड पर ले जा करके और एक कोठे पर एक मालगिन को बेच दिए। एक शरीफ की जिंदगी बिताने वाली वह कुसुम लड़की आज कोठे पर वेश्यागिरी का काम करने लगी। लेकिन धीरे धीरे
समय बीतता गया। एक दिन पुलिस जब छापा मारती है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, पूछते हैं कि अरे बेटी इतनी सुंदर हो, शरीफ घर की मालूम पड़ रही हो, क्यों बेस्या बनी हो? बता रही है कि क्या बताऊं, हमारे जैसी निरीह औरतों को ला करके लोग उनकी इज्जत को लूट करके ऐसे ही कोठे पर बेच दिया करते हैं। अपनी आत्मकथा पुलिस से सुना रही है वो, कुसुम नाम की लड़की भाव है आखिरी। अरे कहली आत्मकथा साहब से अब रो रो के सुंदरी, अरे सुन के थानेदार दांतों से अब काटे लनी अंगूरी। बता रही है कि बदनसीब के बाप न बक्सा बाहर बड़का बाबू, कि बदनसीब के बाप न बक्सा बाहर बड़का बाबू, मुंह बोले भाई भी दोनों दुख में कैले काबू। एकरे सिवा बताई जाई हम कवनी डहरी, सुन के थानेदार दांतों से अब काटे लनी अंगूरी। कहलस की कायात्म कथा बताई थानेदार साहब, जेकर इज्जत लूटे में न बाबू कसर छोड़लन, न बड़का बाबू कसर छोड़लन, न दुईठे हमार भाई कसर छोड़लन, जवन अपना के भाई बतौलन। अब कौने डहर पर जाई आपे बता दम, आखिरी भाव है कि इसी तरह बेस्याए बनती हैं भारत की नारी, इसी तरह बेस्याए बनती हैं भारत की नारी, दौलत वाले मजबूरी का लेते लाभ निसारी, नारी जात मर्द के होती जस कोठे के पुतरी, सुन के थानेदार दांतों से अब काटे लनी अंगूरी। कुसुम पराग स्वामी जद्दू गुरुदेव पूज्य हमारे, बाला शिव दर्शन के साथ में गंगा रंग पसारे, लगाए सब रिश्ते में अगिया, लगाए सब रिश्ते में अगिया, कभी भोला काशी के संग रही के सब पाए, लगाए सब रिश्ते में अगिया। जवाने आप लोग कैसेट सुनत हैं, रामा कैसेट रिकॉर्डिंग के द्वारा कैसेट हो रहल बा, शिवंग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कई जात बा, सुशील कुमार सोनी के द्वारा रिकॉर्डिंग होत बा, अगावल जात बा काशीनाथ यादव एवं साथियों के द्वारा।